तो दोस्तों आ चुके हैं हमारे मामा जी। मामा जी प्रणाम पाल ले। हैप्पी रक्षाबंधन। प्रणाम मामा जी को। सबको नमस्कार। कैसे आप? प्रणाम प्रणाम। बिल्कुल। और अपनी बहन को लेने आ रखा हूँ। नारी बहन को लेने आ रखा हम यहाँ। हाँ तुम धड़ाके से। हाँ आ तो जेब खाली होगी। पूरी फाड़ ला। जेब फाड़ ले। और यहाँ पे देखो अमीषा और आसो। हेलो अमीषा। सबको अभी यहाँ पे प्रणाम किया जा रहा है। हेलो प्रणाम प्रणाम। ठीक ठाक। हैप्पी रक्षाबंधन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये देखो कितने आ रखे हैं लेने के लिए। तीन तीन आ रखे हैं लेने के लिए। यहाँ पे देखो जीजाजी और साले मिलते हुए। दोनों जीजाजी और साले हैं। मामा अब पता भी ले जा। तो दोस्तों शीतल हमारे साथ नहीं आ रही है। तो शीतल आंसू को यहीं पर राखी पहना रही है क्योंकि टाइम की कमी थी। तो जल्दी जल्दी हमने बोला यहीं पर राखी पहना ले। ये देखो गीत भी लगो लोड़ी राखी बोल। राखी के बंधन को निभाना। हाँ तू लगे ना अब तो गीत। ये देखो टफी लड्डू दी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मम्मी को कितनी जल्दी हो रही है मायके जाने की। है माँ? ए माँ कते अभी और वो नहीं थे मैं जाने। ये माँ अपा पता नहीं तू ये खुद नहीं लगनी थी पप्पे। मम्मी देखो फ्रंट सीट में बैठ गई है। चलते हैं अभी। चलो तो चलो मतलब बोला लो होना था। ए मतलब बोला होना। चल से तो ठीक है। बाय बाय। चलो जी गाड़ी यो होगी आदमी ज्यादा लेकिन पर एडजस्ट कर लेंगे। चलो चलो पापा पापा खुद आना चाहिए। बाय 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 अरुस। ये चलो। हेलो दोस्तों मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो आपको पता है मेरा भाई यहाँ पे गाड़ी चला रहा है और जो कि मेरे को बोल रहा है दीदी आपके वजन से गाड़ी एक तरह हो रही है। हाँ, मेरा एक तो, गाड़ी का टायर एक तरफ घिस गया ज्यादा। तो भाई कैसा लग रहा है आज बहन को लेने के लिए आए आप नारे गांव? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। 4:30 बजे उठ गया था मैं। थोड़ा धोया मैंने कहा टाइम पे जाए तब तक बच्चों लोगों ने भी वहाँ भी राखी बनाई। तो भाई थोड़ा एक बार थोड़ा हॉर्न फाड़ ले। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में ना हम मतलब इतना ज्यादा हंसने वाले थे सब के सब फनी है जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए और नानी के साइड में। मैं फनी के साथ हनी भी हूँ। फनी भी रहने भी कटा बोल। गरीब वाले में जिसको सौत बोलते मीठा। मामा गाड़ी एक तरह फाड़ ला। गाड़ी तो एक तरह फाड़ ला। आधे समय भी फाड़ ला। आधे समय भी फाड़ ला। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पे मैम मिल गई हैं जो कि हमें मालतोली स्कूल में पढ़ाते थे 12th तक। और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मैम से मिलके। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सही में यार बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जो स्कूल के टीचर लोग मिलते हैं ना। ठीक है मैम बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे। ठीक है बाय। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग के पुल में। ये देखो ये रहा रुद्रप्रयाग का पुल। और स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए मैं गाड़ी से उतरी हूँ। मम्मी लोग वहाँ पे हैं गाड़ी में। तो ये देखो। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने नानी के गांव में। और काफ़ी लोगों को नहीं पता है मेरे नानी का गाँव कहाँ है। तो वो सुमेरपुर में है और जो बद्रीनाथ वाली रोड है ना उसी रोड पर है। रुद्रप्रयाग से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे। 5-6 किलोमीटर ना मामा रुद्रप्रयाग बड़े। हाँ सुमेरपुर 5-6 किलोमीटर। तो बस अभी हम छोटे वाले मामा के घर पे आ गए हैं। तो पहले यहाँ पे राखी पहनाएंगे फिर उसके बाद और मामा लोगों के घर पे जाएंगे। और यहाँ पे देखो जो लॉज आपको नजर आ रहा है ना ये भी मेरे मामा जी लोगों का है। अगर टाइम मिलेगा ना फिर मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे और रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमारी मामी जी भी आ गई है। हेलो मामी जी। हेलो बिल्कुल। तो दोस्तों हम तब से वेट कर रहे थे अपनी मौसी का कि कब तक आएगी कब तक आएगी। लेकिन मौसी ने हमें पूरा 1 घंटा वेट कराया।
और अब जाके पहुंच रही है हमारी मौसी जी। अभी मिलाती हूँ अपनी मौसी से। हेलो मौसी प्रणाम। रक्षाबंधन बिल्कुल तो चलते हैं रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। और मौसी का ससुराल कहाँ है? मेरे कर्ण प्रयाग ब्लॉक जी चमोली डिस्ट्रिक्ट। चलते अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। अभी दोनों बहनों का मिलन हो गया आखिरकार, कितने साल बाद? कितने साल बाद? पिछले रक्षाबंधन पे मिले थे। हाँ कैसा लग रहा है बहन से मिलके? हाँ और पीछे भाई भाई अभी वीडियो बनना फोन वीडियो बन वेद। अभी यहाँ पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने लग गए हैं क्योंकि मौसी का वेट कर रहे थे तब से। भगवान इसको हमेशा खुश रखे और हमेशा सुरक्षित रखे। हमेशा मेरे भाई को कमेंट करना सब मेरे माई के वाले को मुझे तो हमेशा करते रहती हो कमेंट भर भर के मेरे माई के वाले। हाँ और जरूर बताना कमेंट में कि मेरे मामा जी अनिल कपूर जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। हाँ जय हो। ये रसगुल्ला रसगुल्ला नहीं कमाया वाल यहाँ पे देखो रक्षाबंधन का गिफ्ट भी मिल गया है तो इनके फोटो शूट करते हैं यहाँ पे। मामी जी इधर देखो स्माइल, ये देखो रक्षाबंधन का त्योहार बांधा बांधा और साथ में यहाँ पे फोटोग्राफर। हेलो तो दोस्तों यहाँ पे मोनिका पहना रही है, हमारा भतीजा जो है आशु उसको राखी पहनाना भूल गई थी, दोनों ऐसे अस्त व्यस्त हो रखे थे, अभी अभी इन दोनों को याद आया तो राखी पहन रहे हैं। यहाँ पे खूब दुआएं देना मेरे मायके वालों को, मेरे भतीजों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहन को कविता बहन को भी खूब दुआएं देना। ये दोनों निगने रहे हैं बहुत ज्यादा। यहाँ यहाँ पे देखो अनिल कपूर जी रसगुल्ले बांट रहे अपनी मिसेज को खिला रहे हैं। देखो यहाँ पे अनिल कपूर देखो यहाँ शिल्पा सेठी वाला, ये शिल्पा सेठी है हमारी बहू। अभी यहाँ पे अमिता बांध रही अनमोल को राखी, ये देखो रसगुल्ला खे के चपट कर ले तो दोस्तों यहाँ पे देखो मौसी और मम्मी मिल रहे हैं नानी से। ये हमारी नानी जी, नानी नानी आ जाओ नानी। हेलो बोला नानी दिया की नहीं। हेलो बोला हेलो सबको आशीर्वाद बोलो किक्की ब्लाट मत ही हो पहल रसगुल्ला गुड़ा दिया उनमें। हाँ कैसा लग रहा है? हाँ और दूसरी मामी जी यहाँ पे बड़ी वाली मामी जी। हेलो और ये देखो यहाँ पे हमारी भाभी जी लोग सब। हेलो भाभी आ जाओ। हेलो सब लोग मिल गए यहाँ पे देखो। हेलो 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 तो दोस्तों ये है मेरे सबसे छोटे वाले मामा जी और अभी मम्मी लोग पहना रहे हैं राखी। मामा हेलो बोला। छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है, मेरे भाई को खूब दुआएं देना बिल्कुल हमेशा खुश रहे। हाँ हमारा सबसे छोटा भतीजा इसका नाम है सौरभ, इसको राखी बांध रहे हैं अमीषा और मोनिका, इसको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना दोस्तों। मेरे लिए एक कमेंट मत करना पर सब मेरे मेहतियों के लिए कमेंट करना। ये देखो रसगुल्ला जाते हुए इसके मुंह में। हाँ ये सौरभ भतीजा है मेरा, उस सौरभ गौरव को भी हम बहुत मिस कर रहे हैं, वो कि अपने नानी के यहाँ जा रखा है, उसकी मम्मी जा रखी है वहाँ अपने भाइयों को राखी बांधने, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी बड़े वाले मामा जी को राखी पहना रहे हैं, ये देखो मामा जी यहाँ देखो। हेलो
हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन सबको। हाँ, और बहन यहाँ रखी है, आज कैसा लग रहा है आपको? दूसरे नंबर के भाई जी हैं। हाँ, यहाँ पे उनकी बहू है, ये मेरी भाभी है, ये मामी जी हैं। हेलो, और यहाँ पे भाभी जी बैठी हुई हैं। हेलो, और ये नानी, कैसा लग रहा है तुम? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या आ रखे हैं? अच्छा, बोल रही है कुछ? हाँ बोलो, आशीर्वाद दिया सभी का। हैप्पी रक्षाबंधन। दोस्तों मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी मैं क्योंकि खूब कमेंट करना, मेरे तो हमेशा करते हो, खूब दुआएं देना, खूब दुआएं देना, ये हमेशा खूब फले फूले और मनोकामना पूरी हो, बस सही बात है। तो दोस्तों, मम्मी के मायके की इतनी बड़ी फैमिली है ना, आप लोग बोलोगे कब से राखी पहनाने पे लगे हुए हैं ये लोग, इतनी बड़ी फैमिली है। और ज्यादा देखो, मामा जी का फेवरेट भांजा। तो दोस्तों, हमारे भैया जी फौज में है ना, तो इसलिए हमने भैया के बदले की राखी भाभी जी को पहना दी, और बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं अभी भैया को रक्षाबंधन पे, सभी भाइयों को मिस कर रहे हैं जो अभी हमारे साथ नहीं है। तो चलते हैं बाहर पे, अभी सबके साथ ग्रुपिंग फोटो लेते हैं। देखो, सब लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, तो यहाँ पे छाया ढूंढ रहे क्योंकि चारों तरफ ही देखो इतनी ज्यादा धूप है यहाँ पे। ये वाला घर भी मेरे मामा जी लोगों का है जहाँ पे अभी राखी पहन रहे थे, और सबसे बड़े वाले मामा जी का घर है ये वाला, और उसके बाद यहाँ पे भी छोटे सबसे छोटे वाले मामा जी का घर है वहाँ पे, और जहाँ पे सबसे पहले गए थे वो है अमीषा लोगों का घर। मैंने बोला था ना, हमारे मायके में बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। हाँ, सब इतने अच्छे है, मेरे भाई हो, बहने हो, भतीजे हो, भतीजे की बहू है, सब इतने अच्छे है, इतना बड़ा परिवार देखो, इतना बड़ा है। तो यहाँ पे अब सब लोग एक ग्रुपिंग फोटो लेंगे, और यहाँ पे भी बना रखा है अभी अभी ये नया वाला। तो ग्रुपिंग फोटो लेते हैं अभी यहाँ पे। यहाँ पे हैं मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी। मामा जी हेलो बोला। हेलो। भाई भाई भी हैं और पिता के रूप में भी हैं। सही बात है, भाई हो। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी मामी जी हैं, सबसे बड़ी वाली मामी जी, और ये हमारी दीदी। हेलो। तो दोस्तों, एक बार बताना चाहती हूँ, ये मोनिका को भी पता नहीं था, मैं अभी अभी बता रही हूँ। जब मेरी मोनिका का जन्म हुआ था तो इसी कमरे में रही थी मैं अपने मायके में। जन्म भी यही हुआ था? हाँ, जन्म यही हुआ था। साल हुए थे? मैं तो बेगिन अब जो थी मैं। अभी रिवील नहीं करना है। मोनिका फटाफट वीडियो बना, तो मेरी मोनिका इसी कमरे में। हाँ, तो मैं हॉस्पिटल बहुत कम जाते, मम्मी की याद ताजा हो गई आज। और भी याद है, बताते हैं आपको। अच्छा अच्छा, हम जाने आमो पेड़ जी। हाँ, और यहाँ पे हमारी मामी जी भी आ गई, देखो। मैं पढ़ना, हमारी भाभी है। बधाई हो आपको, दादी बन गए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे एक और मामा जी। सबसे पहले तो मामा जी को बधाई, दादा बन गए। मामा जी को बधाई। हमारे भाई जी हैं, मेरे फूफू के लड़के हैं। हाँ, तो यहाँ पे राखी पहना रहे अभी। खावा खावा रसगुल्ला, रसगुल्ला खे के आज किचो मिटो। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे मम्मी लोग रख रहे हैं राखी मामा जी के लिए, जो कि देश के लिए शहीद हो चुके हैं काफी टाइम पहले। हाँ दोस्तों, ये हमारे भाई साहब हैं जो कि मेरे फूफू के लड़के थे, सूबेदार थे ये आर्मी में। हाँ। और ये शहीद हुए थे बहुत पहले, बहुत साल हो गए दोस्तों। तो हम हमेशा यहाँ पे राखी लाते हैं। हाँ, अपने भाई जी को राखी पहनाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, और यहाँ पे हमारी मामी जी हैं। हेलो। और मामी जी को मिलने आए, मामी जी हमारी वीडियो देख रही थी, हमेशा देखते रहते हैं। हाँ, तो हाँ बिल्कुल। ये हमारे भैया जी यहाँ पे राखी पहनाई जा रही है, और भैया पे देव तब आ गया था अभी, एक जलार ज्यादा नहीं आई, एक जलार आई बस। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो, मामी नानी भाभी सब लोग आ रखे हैं यहाँ पे चौक में, और मम्मी लोग जाने वाले हैं, तो इस विदाई में देखो डांस कर रहे हैं यहाँ पे खुशी में। इतनी खुशी हो रही है इनको। नानी पा, नानी पा, ओहो।
नानी तो नचा नानी तो बल्ले बल्ले इतनी खुशी हो रही है इनको है नानी जी, इतनी खुशी हो रही है बेटी जा रही है तो दो दिन के लिए आ रहे हैं, थोड़ा एक दिन के लिए, दो दिन के लिए भी कहा मैंने कहा यार ये लोग बोले भैंस भूस है हमारे, फिर ना चाहे